जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गोटली नेटवर्क के ऊपर, गोटली एयर ड्रॉप के ऊपर। ये सेम कैटली की तरह है, जो कि कैटली जो है भाग चुका है। कैटली काफ़ी अर्सा जो है चला है, जिन लोगों ने उसके ऊपर रिस्क लिया था, जिन लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, तो उन लोगों को जो है वहाँ से प्रॉफिट हुआ था स्टार्ट में। और पिछले ही तकरीबन 15 दिनों के अंदर जो है कैटली भाग गया। अच्छा, कैटली भाग गया, कैटली के भागने के बाद जो है गोटली आया, तकरीबन इसको एक वीक भी नहीं हुआ। तो आज जो है मैंने इसके ऊपर विड्रा लगाना है अपना। तो कुछ दिन पहले, आज से तकरीबन 3 दिन पहले मैंने इसके ऊपर अकाउंट बनाया। आप लोगों को भी सजेशन की कि आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएं, तो यहाँ से जो है आप अर्निंग अपनी स्टार्ट करें। अगर कैटली से आपने लॉस लिया तो यहाँ से आप प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट है इसका। ये छः महीने या साल या 2 साल ये लाजमी चलेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो मैंने इसके ऊपर $6 की इन्वेस्टमेंट की थी। आज जो है मेरे पास 14.50 टोकन हो चुके हैं। ये मिनिमम जो है विड्रा देता है 12 टोकन के ऊपर, तो मेरे पास 14.50 हो गए। आज मैं विड्रा लगा के देखता हूँ क्या ये वाकई जो है विड्रा देती है। अगर ये विड्रा मुझे अभी रिसीव होता है तो मेरे पास और भी जितने USDT पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, वो भी मैं इसके ऊपर जो है अभी आपके सामने लाइव जो है यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, ताकि वहाँ से जो है मुझे डेली का 3% मिले। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि डेली का जो है आपको 3% हम देंगे। सो गाइस, आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने यहाँ पे देखना है कि टोकन जो है यहाँ पे आपने करना है क्लिक, आपने जो है इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा लिखा हुआ है क्लेम्ड, ठीक है, गोटली एयर ड्रॉप क्लेम्ड, यहाँ पे आपका लिखा होगा ज्वाइन, ठीक है, आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है उसके, इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपने देनी होती है कि आपको विड्रा जो है आपका वो इजीली आपको बिनांस के अंदर मिल जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है मेरा क्लेम्ड है आपका ज्वाइंट होगा, जैसे ये टेलीग्राम के ऊपर मुझे ज्वाइंट बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे बताएगा। ज्वाइंट के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इनको 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपका बिनांस ID, उसके बाद ट्विटर का यूज़र नेम, फिर टेलीग्राम का यूज़र नेम, एंड पे देना है आपने USDT का BEP20 का एड्रेस देना है, BNB वाला, ठीक है, बिनांस से। तो वो वीडियो भी आपने पहले आई बटन पर दे दूँगा, वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ पे मुझे क्लेम हो चुके हैं 40 टोकन GTF, इसको GTF भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम, मैं इसका विड्रा लगाऊंगा। विड्रा लगाने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है अपने वैलेट के ऊपर, ये वैलेट है हमारा, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो हमसे यहाँ पे ये पूछता है कि आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपने टोकन जो है उनको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब वो मुझे पूछ रहा है कि मिनिमम जो है 12 GTF का जो है आप विड्रा लगा सकते हैं, तो मेरे पास 14.5 पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं जो है 14 का लगा देता हूँ। ठीक है, सेल नो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड। अब यहाँ पर मैं अपने बिनांस में आ जाता हूँ, तो बिनांस में भी देख लेते हैं, अभी रिसीव नहीं हुआ होगा, तो देखते हैं बिनांस के अंदर ऑलरेडी हमारे पास कितने डॉलर जो हैं पड़े हुए हैं। तो वैलेट में आता हूँ, तो यहाँ पे जो है हमारा टोटल बैलेंस 15.something है। तो अभी जो है हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिवार्ड है वो हमें रिसीव होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गोटली पे, कितने बनते थे 14 के, यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे देखें कि हमें कितने USDT रिसीव होंगे, ये देखें 0.58, ये हमें अभी मैसेज जो है ट्रांजैक्शन वाला वो भी हमें रिसीव हो जाएगा। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, बिनांस में आता हूँ अपने, पंद्रह ही शो कर रहे हैं अभी भी। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे कितनी देर में जो है मेरा जो विड्रा है वो रिसीव होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 5-1 मिनट मैंने वेट किया, देखता हूँ अभी तक ही जो है ये पेंडिंग में जा रहा है, लेकिन ये रिसीव जो है ये ज़रूर होता है। ठीक है, तो मेरे साथ का एक क्लाइंट है, उनका जो है उनको रिसीव हो गया था कल,
तो इसके ऊपर जो है हम बिला झिझक जो है हम अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इसके ऊपर अर्निंग भी हम जो है कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं बाय करना चाहता हूँ, तो आपने बाय कैसे करना है वो भी तरीका इसी वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ आपको। ये बाय के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, एड्रेस जो है इसको आपने BEP का कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो ये कॉपी हो चुका है मेरे पास, मैं अब आ जाता हूँ अपने बिनांस के अंदर। ठीक है, मेरे पास जितने भी USDT पड़े हुए हैं वो मैं इसके अंदर अपने इन्वेस्ट करके टोकन जो है वो बाय करूँगा। यहाँ पे जो है मैं USDT जो है, और एड्रेस भी आपने यही देना है, डिपॉजिट पे क्लिक करके बिनांस में आके USDT वाला ये वाला एड्रेस देना है। अब जो है मैं यहाँ से विड्रा करता हूँ, USDT पे आता हूँ, सेंड विया क्रिप्टो पे आता हूँ। यहाँ पे जो है मैं वो एड्रेस गोटली वाला पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन, और अमाउंट मिनिमम जो है मैं 15 USDT जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जो है मैं विड्रा कर लूँगा, तो ये कंफर्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, 14.71 $15 मैंने लगाए, 14.71 जो है वो USDT बाकी ऊपर से जो है गैस फीस कटेगी। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ, अभी गोटली के ऊपर मैं GTF टोकन जो है वो बाय करने लगा हूँ। तो इसके ऊपर आप, क्योंकि स्टार्ट है, इसके ऊपर अभी आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पिछले जो लॉस हैं वो रिकवर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लाजमी अकाउंट बनाएं, और अभी मैं आपको GTF के टोकन बाय करके ख़ुद भी दिखा रहा हूँ। तो कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, सब लोगों को ये सजेशन भी नहीं कर रहा कि आप लोग यहाँ पे जो है वो करें। यहाँ पे देखें विड्रा जो है प्रोसेसिंग सक्सेसफुल हो गया 15 USDT का। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, तो मैं गोटली के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो है हमने बाय किए थे, तो बाय के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, चेक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये ग्रीन कलर का जो है। ठीक है, वो यहाँ पे बता रहे कंग्रेचुलेशन यू गोट 294.20 जो है GTF। ठीक है, तो ये हमें जो 294 USDT मिल चुके हैं, तो अब हम इनको कर देंगे स्टेक। ठीक है, तो हमने करना है स्टेकिंग पे क्लिक, ये स्टेक, और स्टेक नाउ। यहाँ पे जो है हमारे पास अवेलेबल 294 है, 294.7। ठीक है, अब हमने इसको जो है स्टेक कर देना है। तो 294 ऊपर देखें जो है वो हमारे वैलेट में पड़े हैं अभी, आई थिंक स्टेकिंग पे नहीं लगे, 294। अब देखें नीचे आपको शो कर रहा है स्टेकिंग सक्सेसफुल विद कॉन्ट्रैक्ट ID, और यहाँ पे देखें 448 टोकन जो है मेरे स्टेकिंग पे चले गए हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसके ऊपर अकाउंट बनाना है। अभी यहाँ पे जो है डिटेल भी है इसकी, 294 मैंने बाय किए, 40 मुझे रिवार्ड मिला, 114 पहले मैंने बाय किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना वो स्टेटस भी देख लेता हूँ जो मैंने विड्रा लगाया था। तो स्टेकिंग हो गई, ये मेरा टोकन आ गया, ये तो यहाँ पे जो है हम फंडिंग में आके देखते हैं। आई थिंक अभी तक जो है रिसीव नहीं हुए, ये देखें अभी तक रिसीव नहीं हुए, लेकिन रिसीव हो जाते हैं उसकी टेंशन नहीं है। तो बाकी भी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है इसके ऊपर वो भी मैंने आपको करके दिखा दिए। तो जो लोग करना चाहते हैं ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, स्टार्ट में इसके ऊपर मेहनत करें और यहाँ से जो है आप अच्छा खासा जो है जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।